नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना की। एक दिन केस और मौत में कमी आने के बाद अचानक सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। महामारी से जुड़े आंकड़ों ने हमें डरा दिया है। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। महाराष्ट्र से कोरोना से जुड़ी हुई सबसे बुरी खबर है। राज्य में 24 घंटे में 895 लोगों की मौत महामारी से हो गई, जबकि एक दिन में 66,358 नए केस आए। सबसे ज्यादा 162 लोग औरंगाबाद में मारे गए, जबकि पुणे में भी 80 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को देश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 24 घंटे में 3,62,757 नए केस आए, जबकि 3,285 लोगों की मौत महामारी से हो गई। ये पहली बार है जब देश में एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। देश के 8 से 10 राज्यों में स्थिति बेहद भयावह है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 381 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूपी में 264 लोग एक दिन में कोरोना के शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ में 246, कर्नाटक में 180, गुजरात में 170, राजस्थान में 121, झारखंड में 131 और पंजाब में 100 जाने कोरोना की वजह से चली गई। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में ऑक्सीजन सप्लाई की समीक्षा की गई। संक्रमण की बिगड़ती स्थिति के बीच सरकार ने लोगों से न घबराने की अपील करते हुए कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लाख से अधिक नए केस सामने आने से अस्पतालों पर दबाव काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपाय की सीधी निगरानी कर रहे हैं। कोर्ट ने बताया कि अन्य देशों से ऑक्सीजन आयात भी किया जा रहा है। देश में कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से प्लान मांगा था। रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन 1 मई को भारत पहुंच जाएगी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि इस खेप में वैक्सीन की कितनी डोज शामिल होंगी। सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। रूस ने कहा है कि 5 बड़े भारतीय निर्माताओं से सालाना 85 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज तैयार करने का समझौता किया गया है। देश में बढ़ रहे संक्रमण के बीच 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, लेकिन नई नीति को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा संकट राज्यों के सामने है, जिन पर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट करने का जिम्मा है। लखनऊ के सिप्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। हॉस्पिटल के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, जिसमें लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाने और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन उपलब्ध न कराने की वजह से अस्पताल प्रबंधन कोविड के नए मरीजों को भर्ती करने में अक्षम है। एक अन्य नोटिस में ये जानकारी भी दी गई है कि अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। इसमें मरीजों के तीमारदारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने मरीजों को कहीं और शिफ्ट करें। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। जीत का सर्टिफिकेट लेने भी 2 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। ऑक्सीजन संकट बरकरार है। नतीजों में सब कुछ अस्त व्यस्त है। अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं तो मरीजों के परिजन भी गुस्सा है। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सांस की आस। दिल्ली के एक अस्पताल में एक महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया। 67 वर्षीय महिला की अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में मौत हो गई थी। बेड की कमी होने की वजह से महिला को आईसीयू में शिफ्ट करने में देरी हो गई थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों की भीड़ अस्पताल परिसर में हमला करते हुए दिख रही है। कुछ लोग हमला करने वाले लोगों को पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वालों का अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर न होने के बाद ये नोटिस जारी हुआ है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि इस संबंध में दिल्ली सरकार के आदेश पर सिलेंडर रिफिलरों ने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जजों के लिए 5-स्टार होटल में 100 बेडों की सुविधा कभी नहीं मांगी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों के लिए अशोक होटल के कमरों के मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि हमने मीडिया में खबरों को पढ़ा है, हमने कोई भी आग्रह नहीं किया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप कल्पना कीजिए कि हम कैसे कह सकते हैं लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे और हम आपसे लग्जरी होटल में बेड मांग रहे हैं। मीडिया गलत नहीं है, आपका ऑर्डर गलत है।
भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। WHO के महानिदेशक ने भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को दिल दहला देने वाला बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कई ऑक्सीजन मशीनों समेत भारत में अहम सामग्री की आपूर्ति की है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं सुनामी जैसी हालात है, लाशों से शमशान भरे पड़े हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 3,999 केस आए हैं, लेकिन मुंबई में लगातार कम हो रही मरीजों की संख्या पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई में केस कम आने की असली वजह कम टेस्टिंग है। एक दिन पहले भी मुंबई में सिर्फ 3,876 मरीज ही मिले थे। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे भयावह स्थिति है। गाजियाबाद के रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में एक MBBS डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 70 रेमडेसिविर और 2 एक्टेमेरा इंजेक्शन बरामद हुआ है। गिरफ्तार डॉक्टर एम्स में भी रह चुका है। इंजेक्शन की कालाबाजारी कर कमाए गए 36 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दिल्ली में शवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गीता कॉलोनी शमशान घाट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ये शमशान घाट अपने आसपास की भूमि का प्रयोग भी शव दहन के लिए कर सकेगा। गीता कॉलोनी शमशान में नॉन कोविड शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर करकडूमा सीमापुरी शमशान घाट में कोविड वाले शवों के अंतिम संस्कार की वजह से गीता कॉलोनी में दबाव बढ़ गया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा ने पंजाब का कोई भी ऑक्सीजन का ट्रक नहीं रोका है। विज ने कहा है कि उन्होंने खुद अंबाला के पुलिस अधीक्षक से बात की है और उन्हें जानकारी दी गई है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। विज ने कहा कि बिना सोचे समझे पंजाब के मंत्री इस तरह के बयान ना दें। मेरठ के KMC अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना पर जबरदस्त हंगामा हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने जैसे ही कोविड पेशेंट्स के तीमारदारों को माइक पर ऑक्सीजन गैस खत्म होने की सूचना दी और मरीजों को अन्य अस्पताल में भर्ती करवाने को कहा, अस्पताल में हड़कंप मच गया। हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित करीब 160 मरीज अपना इलाज करवा रहे थे। इनमें से करीब 100 मरीज ऑक्सीजन के सहारे रखे गए थे। सूचना मिलते ही CMO अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। कर्नाटक में कितने दिन का लॉकडाउन, पेंट कॉमेंट्स के बाद अब कौन विदेशी क्रिकेट आया मदद के लिए आगे, मिलिए कोरोना को हराने वालों से, देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 14 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 180 लोगों की मौत हो गई है। लड़के के पॉजिटिव होने की वजह से अधिकारी शादी रुकवाने पहुंच गए तो लड़के ने PPE किट में शादी की। बुजुर्गों की मिन्नत के आगे भी अफसर झुक गए। रिश्तेदारों ने वीडियो कॉल पर आशीर्वाद दिया। ये अनोखी शादी रतलाम में हुई, जिसमें दूल्हा दुल्हन ने PPE किट पहनकर साथ फेरे लिए। दोनों परिवारों के 4-4 लोग ही इसमें शामिल हुए। असम सरकार ने राज्य में 1 मई तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि असम में कामरूप महानगर जिले में 11 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। असम सरकार ने पिछले मंगलवार को राज्य में सख्त आदेश जारी किए थे, जिससे सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश दिया था। पैट कमिंग्स के बाद अब ब्रैडली ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ब्रैडली भी भारत में कोरोना पीड़ितों के लिए मदद देंगे। इससे पहले KKR के लिए खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स ने भारत को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 37 लाख रुपए दान में दिए थे। कमिंग्स ने दान देते हुए ये भी कहा था कि बाकी खिलाड़ी भी इस मुश्किल घड़ी में सामने आए। कोरोना से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी के आरोप में CM खट्टर ने कहा है कि मरने वाले वापस नहीं आ सकते। खट्टर ने कहा है कि इस मुश्किल समय में लोगों को बीमारी से लड़ने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जिस तरह की स्थिति में हैं, उनमें आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। CM ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की जाँच के दौरान ये बात कही। महामारी के भयावह दौर में कुछ लोग लगातार मानवता की सेवा में जुटे हैं। दिल्ली में कई संस्थाएं हर रोज गरीबों के बीच खाना बांट रही हैं। ऐसे ही एक संस्था ने दिल्ली के गोल डाकखाना इलाके में जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट्स बांटे। रात के टाइम पे डिनर का हम प्रबंध कर रहे हैं, जिसमें 5 रोटी और 2 कड़छी अच्छे तरीके की दाल, पूरा हाइजीनिक फूड यहाँ पे लेके आते हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में 4 मुस्लिम लड़कों ने 800 से अधिक हिंदुओं का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया है। ये चारों लड़के इस कोरोना काल में यवतमाल के शमशान भूमि में रात दिन जागकर इस सामाजिक कार्य में जुटे हैं। जिस किसी की भी मौत कोरोना से हो रही है, उनके परिवार के लोग शव को शमशान भूमि में लाकर छोड़ देते हैं। इन चारों लड़कों को भी पता है कि शमशान में आ रहे ज्यादातर शव कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं। इसके बावजूद ये अपनी जान की परवाह किए बिना इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। इसी वजह से घाटी में अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इसी के साथ सरकारी अधिकारी लोगों को इस बात के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं कि वे वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लें।
फेफड़ों में 85% इन्फेक्शन होने के बावजूद इंदौर की रुचि ने कोरोना से जंग जीत ली। रुचि इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती है। जंग जीतने के बाद उन्होंने दूसरों का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है। इस कोविड की लड़ाई को लड़ते लड़ते मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ के काम करना, पॉजिटिव रहना और एक सेकंड के लिए भी नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में नहीं लाना। आर्मी चीफ ने क्यों किया सियाचिन और पूर्वी लद्दाख का दौरा? चुनाव से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी नेता अनुभृत मंडल को नजरअंदाज नजरबंद रखने का आदेश क्यों दिया? और बलविंदर सिंह संधू हत्या केस में एनआईए ने कितनों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट? देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में कोरोना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वैक्सीन को लेकर आज होने वाली बैठक में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने मंगलवार को सियाचिन और पूर्वी लद्दाख का दौरा किया। उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी सहित सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। आर्मी चीफ ने यहां सैन्य गतिविधियों का जायजा लिया और कहा कि लद्दाख जैसी विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन करना बहादुरी का काम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कल आखिरी चरण की वोटिंग होगी। अंतिम चरण में 35 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 283 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। विधानसभा चुनाव की आखिरी और आठवें चरण के लिए प्रचार शोर सोमवार को थम गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अंतिम चरण के कल होने वाले चुनाव से पहले बीरभूम जिले के टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को नजरबंद करने का निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक 27 अप्रैल की शाम 5 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बीरभूम के टीएमसी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल सीआरपीएफ की निगरानी में रहेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच एक बार फिर ठन गई है। कैप्टन ने सिद्धू को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी और कहा कि अगर सिद्धू ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा तो उनका वही हाल होगा जो जनरल जेजे सिंह का हुआ था, उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि आप इधर उधर की बजाय इंसाफ की बात करें। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीद और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर सोमवार को हुए चुनाव में हिंसा और आगजनी का आरोप है। दोनों ही नेताओं की पत्नियां जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को इंडियन बी स्कूल्स लीडर्स कॉन्क्लेव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि ग्रामीण भारत की व्यापारिक तथा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गांव में जाए और अपने साथ उनके समाधान लेकर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा विकास कभी भी पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एनआईए ने मंगलवार को पंजाब में आतंकियों से लोहा लेने वाले शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या केस में 8 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये सभी आतंकी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े हैं। चार्जशीट में एनआईए ने कहा है कि बलविंदर की हत्या इसलिए की गई जिससे लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। केरल के कोझिकोड कोर्ट ने मंगलवार को सोलर फ्रॉड केस में आरोपी सरिता एस नायर को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सरिता पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पिछले यूडीएफ सरकार के दौरान सामने आए सोलर घोटाले के संबंध में दर्ज 32 मुकदमों में पहले मामले में आदेश जारी किया गया है। कहां महसूस किए गए भूकंप के झटके? एक सनकी युवक ने कहां किया कमेंट डिस्को? और हाईवे पर कहां गजराज के आने से दहशत में आए लोग? राज्य की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। हरियाणा के रोहतक जिले में मंगलवार देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 मापी गई। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद की है। पुलिस ने इसे जमीन में गड़े ठिकाने से करीब 35 किलोग्राम चरस, कोडिन की 80 बोतलें और 4500 कैप्सूल बरामद की है। मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस केस दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में मंगलवार शाम को 2 अज्ञात युवकों ने हवा में कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। घटना की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 युवक मुंह पर कपड़ा बांधे पहले थोड़ी देर गली में घूमे, फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने एक महिला के पास से 62 लाख रुपए का तस्करी का सोना बरामद किया है। महिला तस्करी का सोना दुबई से लेकर आई थी। बरामद सोने का वजन करीब 1259 ग्राम है। इसे पेस्ट के रूप में ढालकर छिपाकर लाया जा रहा था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में मंगलवार को एक हिम तेंदुए ने एक शावक को जन्म दिया। इस शावक के जन्म के बाद पार्क में शावकों की संख्या 13 हो गई है। देश भर में संरक्षण प्राप्त और दुर्लभ प्रजाति माने जा रहे स्नो लेपर्ड की संख्या में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड के टांडा वन क्षेत्र में हल्द्वानी रूतपुर हाईवे पर मंगलवार शाम को हाथियों के झुंड के आ जाने से राहगीरों में हड़कंप मच गया और सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने हाथियों को सड़क के दूसरी ओर जाने दिया, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंगलवार को हनुमान जयंती के मौके पर बजरंग पथ पर मंदिर में भक्तों ने वर्चुअल पूजा अर्चना की। मंदिर में श्रद्धालु ना के बराबर दिखे, सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान हनुमान की पूजा की और उनसे देश को जल्द से कोरोना मुक्ति दिलाने का आशीर्वाद मांगा। आखिरी गेंद पर एक रन से जीत, आरसीबी और दिल्ली के मुकाबले में दिखी रोमांच की इंतहा। नंबर वन पर पहुंची विराट की टीम। CSK और SRH में कौन मारेगा बाजी? T20 लीग से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 T20। T20 लीग में मंगलवार रात को खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बेहद रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हरा दिया। दिल्ली को जीत के लिए 172 रन की जरूरत थी, लेकिन वो स्कोरबोर्ड पर 170 रन ही जोड़ पाई। दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए मैच के आखिरी ओवर में 14 रन की जरूरत थी। बैंगलोर की कप्तान विराट कोहली ने आखिरी ओवर मोहम्मद सिराज को सौंपा। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 12 रन दिए। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर में 2 चौके लगाए, लेकिन ये जीत के लिए नाकाफी थे। 172 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही दिल्ली की टीम के टॉप ऑर्डर ने निराश किया। इस सीजन में अब तक फॉर्म में चल रहे शिखर धवन सिर्फ 6 रन बना पाए। इसके अलावा स्टीवन स्मिथ भी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। पृथ्वी साव के बल्ले से सिर्फ 21 रन निकले। मिडिल ऑर्डर में कप्तान ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमायर ने अर्धशतक लगाया, लेकिन ये जीत के लिए नाकाफी साबित हुआ। इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। टीम के खाते में 6 मैचों में 5 जीत के साथ अब 10 अंक हैं। 5 मैचों में 4 जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दूसरे पायदान पर है और 6 मैच में 4 जीत के साथ दिल्ली की टीम अब तीसरे पायदान पर है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का टॉप ऑर्डर औसत प्रदर्शन नहीं कर पाया। कप्तान विराट कोहली सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। पड्डिकल ने 17 रन बनाए। रजत पाटीदार भी 31 रन का योगदान ही दे पाए। एबी डिविलियर्स के शानदार 75 रनों की बदौलत बैंगलोर की टीम 171 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची, जिससे टीम को जीत दिलाई। T20 लीग के इस सीजन में अभी ऑरेंज कैप पर शिखर धवन और पर्पल कैप पर हर्षल पटेल का कब्जा बरकरार है। 6 मैच खेलने के बाद शिखर धवन ने 265 रन बनाए और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। हर्षल पटेल अब तक 6 मैच में 17 विकेट ले चुके हैं और पर्पल कैप पर उनका कब्जा बरकरार है। T20 लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से दिल्ली में होगा। मौजूदा सीजन के रिकॉर्ड के आधार पर चेन्नई का पलड़ा काफी भारी है। चेन्नई की टीम ने अब तक 5 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को 5 में से सिर्फ 1 मैच में जीत हासिल हुई है। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत भी हार के साथ हुई थी। दिल्ली के खिलाफ उसे 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर उसने लगातार 4 जीत हासिल की है। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 10 रन से हार के साथ हुई थी। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस ने भी उसे हराया। पंजाब के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद को जीत मिली थी, लेकिन अगले मैच में दिल्ली के खिलाफ उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही और सुपर ओवर में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस तरह उसे 5 में से 4 मैच में हार मिली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।